राजधानी भोपाल के सामुदायिक भवन में चल रहे शासकीय प्राथमिक शाला को लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था, जहां इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर जल्द ही नई बिल्डिंग बनाने का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है ये शिक्षा विभाग लगातार अपडेट करता होगा अपने अधिकारियों को, क्योंकि सीधा ऐसा संबंध नहीं आता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं कल झाबुआ में था, आज सुबह ही मैंने अधिकारियों से कल रात को ही बात करके आज का तय कर लिया। जो भी होगा शिक्षा के संबंध में, शिक्षा में कहीं कोई कोताही हो जाए प्रशासन के तंत्र के कारण, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी, उनके भी संज्ञान में ला करके कि इस काम को हम अतिशीघ्र पूरा करें, ताकि जो बात आपने कही, जहाँ एक तरफ हम सीएम राइज स्कूल यहाँ 275 से बढ़कर के अगले सेशन में 550 होने वाले हैं, तो हमारे ये जो मिडिल स्कूल हैं इनको भी बनाए रखना, प्राथमिक स्कूलों की भी उसको चिंता करना, ये हम सबका कर्तव्य है और उसको करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक ही स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर 5वीं क्लास तक एक ही रूम के अंदर क्लास लग रही है, और ये नगर निगम की बड़ी नाकामयाबी है। 2 साल से लगातार जब से पार्षद बने कई पत्र लिख चुके, शिक्षा अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको भी पत्र भेजा गया था क्योंकि नगर निगम ने शिक्षा उपकर का पैसा मुख्यालय निधि के अंदर अटैच कर लिया था, तो शिक्षा अधिकारी से परमिशन या उनको बताने के बाद यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य होता। और लगातार कम से कम है ना 2 हफ्ते से हम लगातार बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर बुक्स बांटने, तब से लगातार हमने इनको पत्र दिए, नगर निगम के अंदर टीना मैडम को बताया, कमिश्नर को बताया और संबंधित इंजीनियर को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर कल हमारी जोन समिति की मीटिंग थी और हमारे जोन अध्यक्ष को हमने बताया और विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे समनानी जी, उनको ये बात पहुँचाई, तो आज वो यहाँ पर आए और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं कि बच्चों का शिक्षा के, और जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, और टेम्परेरी व्यवस्था की यहाँ पर बात कही है, और ये भी चाहते हैं कि भविष्य में ये अच्छा स्कूल बने और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें।